22 जनवरी ये वो तारीख है जो इतिहास रचने जा रही है। इसी दिन प्रभु राम की मूर्ति की 5 वर्ष के बालक के रूप में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। काशी के वैदिक विद्वान प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। दोपहर 12:15 से लेकर 12:45 के बीच प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, तो चलिए जानते हैं क्या होती है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा? दरअसल जब किसी भी मूर्ति की स्थापना की जाती है तो पूरे विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में मूर्ति का पूजन किया जाता है। जिस भी देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उनका आवाहन किया जाता है, उसे ही प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वयं भगवान मूर्ति में विराजमान होते हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की गई प्रतिमा को आंचल प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रतिमा में भगवान का निवास हो जाता है। प्रतिष्ठित की गई मूर्ति हमेशा जीवित की तरह पूजी जाती है। प्रतिष्ठा है उस प्रतिमा में प्राण आवाहन करके मंत्रों के द्वारा जो शक्ति भगवान राम में है वो शक्ति उसी में स्थापित किया जाता है। इसीलिए उसका दर्शन करने से वही फल मिलता है जो साक्षात भगवान से मिलता है। महाराज कैसे होती है प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा है उसके मंत्र के द्वारा, जो वेदों में मंत्र है और वही मंत्रों के द्वारा यह आवाहन किया जाता है कि जो शक्ति भगवान श्री राम में है वो शक्ति इस प्रतिमा में आ जाए। इसी प्रकार से वो मंत्र है, मंत्र के द्वारा आवाहन करने से वो शक्ति आ जाती है और सबको उस शक्ति आने के कारण से वही फल मिलता है जो भगवान के साक्षात करने मिलता है, वही उस प्रतिमा से मिलता है। प्राण प्रतिष्ठा क्या है ये तो आप जान गए, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले प्रतिमा को पवित्र नदियों के जल और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुलायम वस्त्र से प्रतिमा को साफ किया जाता है। प्रतिमा को वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। उसके बाद प्रतिमा पर चंदन का लेप लगाया जाता है। मूर्ति का विशेष तरह से श्रृंगार किया जाता है। देवताओं का आवाहन किया जाता है। फिर मूर्ति की पूजा की जाती है। यही वजह है कि लोग स्वयं भगवान के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। 22 जनवरी के दिन दिवाली मनाने की लोग बड़े उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं।